हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसिपीज ट्राइड एंड ट्रू। तो मिठाई हो ऐसी जो खाने में बहुत ही टेस्टी हो और घर पे आसानी से बन जाए, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होली स्पेशल लॉन्ग लतिका। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है और झटपट बन भी जाती है। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो भी ईजिली हमारी किचन पैंट्री में अवेलेबल होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, डो के लिए हमें रिक्वायरमेंट है मैदा, घी और पानी की, स्टफिंग के लिए मावा और कुछ ड्राई फ्रूट, शुगर सिरप बनाने के लिए चीनी और पानी, साथ ही में कुछ लौंग सिक्योर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डो बनाने से। सबसे पहले एक बोल में 2 कप मैदा डाल लें। अब उसमें 1/4 कप घी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मैदा में घी इवनली मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसका कोई भी स्टेप मिस ना करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक डो बना लेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, डो ना तो बहुत टाइट होना चाहिए ना ही बहुत ढीला होना चाहिए। लास्ट में इसमें थोड़ा सा घी डालना है और एक बार और नीड कर लेना है। अब हम इसको करीब 20 मिनट्स रेस्ट होने के लिए रख देंगे। मीनवाइल हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए एक पैन में मावा डालना है और उसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि मावा सॉफ्ट ना हो जाए। मावा घी छोड़ने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स और इसे भी मावे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो स्टफिंग का एक पोर्शन लेना है और इसे हाथ से रोल करते हुए एक स्क्वायर शेप बनानी है सो दैट हम इसे लॉन्ग लतिका में स्टफ कर सकें। इसी तरीके से सारी स्क्वायर शेप मावा की बर्फी बना लेनी है। अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी डालना है, साथ ही में हमने 1/2 कप पानी डालना है और इसे तब तक चलाना है जब तक कि चीनी इसमें डिजॉल्व ना हो जाए। करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे चाशनी बनने में। हमें लॉन्ग लतिका के लिए करीब 1 तार की चाशनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 तार की चाशनी तैयार है और हम चेक भी कर सकते हैं बिटवीन फिंगर और थंब के बीच में। आफ्टर 20 मिनट्स हम देखेंगे कि हमारा डो एकदम परफेक्ट है। अब हम डो का एक पोर्शन लेंगे और इसे एक मीडियम थिकनेस की रोटी में बेल लेंगे। अब प्रिपेयर्ड किया हुआ स्टफिंग का स्क्वायर बीच में रखेंगे और कॉर्नर्स पे पानी लगाएंगे और इसे स्क्वायर फॉर्म में फोल्ड कर देंगे। पानी हमने इसलिए लगाया सो दैट इजीली मैदा स्टिक हो जाए। लास्ट में एक लॉन्ग का पीस लेंगे और इसे सिक्योर कर देंगे सो दैट जब हम फ्राई करेंगे लॉन्ग लतिका को तो ये फूलेगा नहीं। इसी तरीके से हम सारी लॉन्ग लतिका प्रिपेयर कर लेंगे। और फाइनली हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई में घी को गरम करेंगे। घी गरम हो गया है या नहीं चेक करने के लिए हम देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे बबल्स उठने स्टार्ट हो गए हैं। इस टाइम पे हम लॉन्ग लतिका धीरे से घी में ड्रॉप करेंगे। और हमें लॉन्ग लतिका को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। जब वो एक साइड से सिकने लगे तो उसे फ्लिप कर देना है और दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सेक लेना है। इसे सिकने में करीब से करीब 8 to 10 मिनट्स का टाइम लगेगा और हमारी लॉन्ग लतिका फ्राई हो चुकी है। और फाइनली इसे शुगर सिरप में डिप कर दें। इसे फ्लिप करते हुए करीब 30 to 40 सेकेंड शुगर सिरप में रहने दें ताकि इसमें अच्छे से मीठा टेस्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम कितने इजीली घर पर ही लॉन्ग लतिका बना सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। और जाते जाते फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी होली।